के संबंध में आर्टिकल लिखने की बात है। हम विवेचन करते करते वो कभी कभी दूर पहुंच जाते हैं, भाषा के शब्दों के विवेचन करते हैं, ध्वनियों के करते हैं, फिर तुलना करते हैं, फिर उसमें ऐसा बोला जाता है, उसमें ऐसा बोला जाता है, ये तो उसमें आएगा ही आएगा। लिखने फॉर्मेट जो है वो लगभग ऐसा रहेगा, आप एक दूसरी बोली का जब लिख रहे होंगे तो एक दो चीज़ ऐसी होगी कि उस फॉर्मेट में नहीं समा रही है तो आप जोड़ लेंगे, अब तीसरी बोली ऐसी होगी कि जो आपने जोड़े हैं वो फॉर्मेट में वो नहीं जोड़ेंगे, कुछ और जोड़ेंगे। हाँ, तो ये बोलियों का या उप बोलियों का जो विवेचन होगा ये तो है, जो स्थापित हैं, जैसे कि पश्चिमी बोली कर दिया, पूर्वी हिंदी की बोलियाँ कर दिया, ये तो स्थापित हैं, इन पर लिखना ज़्यादा कठिन काम नहीं है, ये हो जाएगा। लेकिन बात दो और हैं, एक तो ये है कि इनके अलावा उत्तर प्रदेश में वो बोलियाँ बोली जा रही हैं जो कि क्षेत्र के आधार पर नहीं है, जैसे नेपाली की बात हुई, जैसे उर्दू की बात हुई, जैसे इंग्लिश की बात हुई, जैसे के और सिंधी की बात हो गई, तो ये क्षेत्र के आधार पर नहीं है, लेकिन हम सर्वे में करके ये इनको आना चाहिए, क्योंकि जो पहले से साहित्यिक भाषा वैज्ञानिक जो बोलियाँ हैं उनका वर्णन तो किताबों में मिल जाएगा, वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ ये है कि हम जो साहित्यिक हिंदी में भाषा वैज्ञानिक पुस्तकों में नहीं आए उनको करें, एक तो ये है। दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण है, ये जो सर्वे का काम भाषा का हो रहा है, मैंने कहीं पेपर में पढ़ा था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ये चाहता है कि अपनी मातृभाषा में पढ़ाई हो, प्राथमिक शिक्षा दी जाए। मेरे लड़के ने एक बार जो है लिख दिया, ये बता पूछा था, प्रश्न ये था कि कुछ पशुओं के नाम लिखो, तो उसने लिख दिया हाथी। अब वो ब्रज भाषा भाषी था तो उसने हाथी लिख दिया, वो काट के जीरो दे दिया। इसका मतलब ज्ञान तो उसे है, बच्चे को हाथी था लिखना चाहिए था, वो साहित्यिक हिंदी चाहते थे। अगर मातृभाषा में पढ़ाई होती है प्राथमिक शिक्षा की, वो धीरे धीरे फिर और पढ़ेगा, साहित्य किताबें पढ़ेगा तो उनसे वो जान जाएगा, लेकिन जो प्राथमिक शिक्षा है वो अपनी उसमें मातृभाषा में होना चाहिए। इसलिए जो हमारी भाषाएं हैं, चाहे घुमंतुओं की हों, चाहे जो है लोहारों की हों, बंजारों की हों, और हींग बेचने वालों की हों, और बिजनेस करने वालों की हों, इनको ज़रूर आना चाहिए। जड़ी बूटियाँ बेचने वाले लोग कौन सी कम्युनिटी के, यूपी से ही शायद, हिमालय की और सही पूरे देश भर में फैले हुए कोई खास कम्युनिटी, स्थानीय लोग होते हैं, जंगल में जो चीजें होती हैं वो उनको जानकारी होती है और वो उस तरह से इलाज करते हैं। सर उत्तर प्रदेश में राजस्थान के जो